बन रही है, लाल बत्ती भी मिल रहा है, मिलेगा आपको, तो कैसा लग रहा है? लोगों को तांता लगा होगा आपको बधाई देने के लिए? जी थोड़ा मतलब अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ गया है, मतलब समझ लीजिए एक मोमेंट में लाइफ बदल गई है, और अभी भी मैं सोक इन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, जितनी बार सो के उठ के लगता है कि बस एक सपने जैसा है, बट एक्चुअली सच हो गया है। करते रहते हैं, अटेम्प्ट तो निकल जाता है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज दोनों निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू फेल कर जाते हैं, इंटरव्यू उनसे नहीं निकलता है, चार पांच अटेम्प्ट निकाल लेते हैं। तो आपका इंटरव्यू का सफर कैसा रहा था? जी बहुत अच्छा था इंटरव्यू, मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे थे, लेकिन एक्चुअली आप देखें तो इंटरव्यू और मेंस का दोनों का मार्क्स कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट आता है, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना मेंस का प्रिपरेशन इतना होता है क्योंकि इंटरव्यू पर डिपेंडेंस थोड़ी कम है, आप अगर मेंस का मार्क्स बहुत अच्छा है तो इंटरव्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आफ्टर दैट ऑल्सो यू गेट सेलेक्ट, तो मेरा ये रहेगा कि अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप मेंस पर पूरा फोकस रखें, और एक बार मेंस निकल गया तो आप लोगों के पास अगर 2 महीना टाइम रहता है दैट इज मोर देन एनफ। 2 महीने में इंटरव्यू क्लियर कर सकते। बहुत बड़ी बात रश्मि जी ने अभी हमें बताया है कि इंटरव्यू जो होता है वो तो स्किल आपका जांचा जाता ही है, उसमें पर्सनालिटी भी आपका रूबरू, जिस तरीके से आपने शुरुआती दौर में स्टार्ट किया एंडिंग तक आपको उतना ही टोन में वैसा ही आपका बिहेवियर होना चाहिए, थोड़ा सा भी घबराइएगा तो मे भी ये आपका रिजल्ट खराब कर सकता है। तो जो भी UPSC के स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो रश्मि जी ने बहुत अच्छा प्लस पॉइंट आपको बताया है कि आप इंटरव्यू में जाएं तो जरूर इस चीज़ को ध्यान में रखें कि शुरुआती दौर से लेकर के लास्ट तक आप पॉजिटिव रहें, निगेटिव में ना जाएं। बिहार को ऐसे कहा भी जाता है, हमारे कितने सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि बिहार का ओरिजिन है, और यहाँ
हाइट माहौल एजुकेशन कैपिटल है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि आने वाले जनरेशन को मोटिवेट करता है। और अगर आप इस बार का रिजल्ट भी देखें तो मैक्सिमम बच्चे 50 से ऊपर बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किए, इंक्लूडिंग डी टॉपर, वो बिहार से ही। तो बिल्कुल माहौल यहाँ पर है। क्या UPSC में सेल्फ स्टडी करना बेस्ट होता है? जी मैं सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती है, मेरे लिए सेल्फ स्टडी काम किया। कुछ बच्चे जाते हैं जिन्हें क्लासरूम स्टडी की हेल्प चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ पर खुद से फोकस करें, देखें कि आपको क्या जरूरत है, उसके बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब सपनों की उड़ान को पढ़ लग जाती है तो बधाई देने वालों की ताता लग जाती है। आज हमारे साथ जो शख्स यहाँ मौजूद है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 457 UPSC में पास की है और IAS अधिकारी बनने वाली है, और एक चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने UPSC क्रैक किया है। सफर UPSC का कैसा रहा? जी ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, स्ट्रगल तो था ऑब्वियसली, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको उस स्ट्रगल से कैसे हैंडल करना है। और मेरे पेरेंट्स को अच्छा साथ रहा है, थोड़ा इजी भी हो गया है। कहते हैं या UPSC का जो एग्ज़ाम होता है वह कठिन एग्ज़ाम होता है, कठिन एग्ज़ामों में से एक होता है यह एग्ज़ाम UPSC का। तो लगातार आपने कितने वर्ष इसके लिए प्रिपेयर किया और क्या क्या आपने फेस किया इस चीज़ को सफलता हासिल करने में? जिस तरीके से आपने बताया कि जॉब करने के बाद आपने 3 साल इस चीज को प्रिपरेशन में डाला, तो जॉब करने के बाद तो फिर बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी। हाँ जी, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी जानना चाहूंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जी मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसके बाद फिर 2 साल मैंने जॉब की है। जैसे कि हमारे पास जानकारी है, रश्मि रानी जी के पिता अभियंता हैं, जॉब भी करती थी, तो मैं उनकी माता जी से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को सीधा शादी के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपने कभी रश्मि को इस तरीके से किया? अरे बाबू, अरे समाज में आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से समाज में लड़की आगे बढ़ रही है और नए नए आयामों को चुन रही है, तो आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? इस दोनों को समान देखना ही चाहिए समाज में बदलाव के लिए। मैं रश्मि जी से जानना चाहूंगा, जितने लोग भी देते हैं सब लोग क्वालिफाइड होते हैं और किसी को नहीं पता होता है कि उनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, इतनी बड़ी बात होती है, तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जो हमारे पास जानकारी है, रश्मि रानी ने BPSC भी क्लियर किए। BPSC में तो फिर आपने उसका चुनाव क्यों नहीं किया? जी BPSC को मैंने देखिए दोनों सिविल सर्विस में, लेकिन अब मेरा एम थोड़ा हाई था, मेरा बचपन से मन था कि मैं IAS क्वालिफाई करूँ, बट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, एक बैकअप प्लान होना चाहिए, तो BPSC वॉज माई बैकअप प्लान, तो वो मेरा एक सेट हो गया था। और जैसे ही उसका मेन्स निकला ना, तो एक एक प्रोसेस बाद मेरा इधर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो एज अ बैकअप प्लान मैंने उसका। आप जॉब क्या चीज़ करते हैं? इसमें ऑप्शनल भी चूज करना रहता है, आपका सोशियोलॉजी का। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा और आपसे भी जानना चाहूँगा
कि यूपीएससी का तैयारी जो आपने किया कैसे किया, कहाँ से किया, क्या किसी संस्थान से किया या फिर सेल्फ अटेम्प्ट? जी मैंने अपनी कोचिंग संस्थान पर ध्यान दिया था, और जहाँ तक बात है कोचिंग की तो टेस्ट सीरीज मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया था, और घर बैठे ही आजकल काफ़ी हेल्प मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू, तो उसके लिए तो कहाँ, दरभंगा से, मधुबनी से, पटना से आपने? पटना में घर पे लगा के। तो जिस तरीके से काबिले तारीफ है कि महिलाएं नए नए आयाम को छू रही है और अपने माता पिता के साथ में पूरे मिथिलांचल को गौरवान्वित की है रश्मि रानी ने, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखा जाता है यूपीएससी का तैयारी करने में जैसे ही आदमी के जहन में आता है कि पढ़ना पड़ता है, लेकिन कितना पढ़ना पड़ता है और किस तरीके से पढ़ना पड़ता है ये भी जानना चाहूँगा। स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप सिलेबस और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो आप देखते हैं, इससे आपको थोड़ा डायरेक्शन मिलता है। किताब में आप सीखें तो अन्य तरह की चीज़ें जो आपको नोट्स लगेगा कि ये भी इंक्लूड कर लें, ये भी इंक्लूड कर लें, ये भी पढ़ लें, लेकिन एक बार आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का ध्यान रहेगा तो डेफिनेटली आपको डायरेक्शन मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी है। तो आप मेरे दर्शकों से क्या करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से किस तरीके से अगर जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो कैसे करें? जी मेरा एक ही सजेशन होगा सबको कि हिम्मत ना हारें, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और पढ़ाई सब लोग बिल्कुल सेम करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, आपको जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो आपका हिम्मत है और आप मेंटली कितने प्रिपेयर हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, तो मैं ये कहूँगी आप हिम्मत ना हारें, बस लगे रहें। सबसे बड़ी बात होती है संघर्ष करना और संघर्ष के साथ साथ हिम्मत अपना अफजा नहीं करना और अपने बुलंदियों को छूना, यही होता है जिंदगी, यही हमारी जिंदगी का संघर्ष होता है कि जब तक जिस चीज़ को हम अचीव ना कर लें उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। उनके पिता से बात करना चाहूँगा कि सर जो सफ़र आपकी बेटी ने 4 साल का काटा है उसमें क्या क्या परेशानियाँ आपको सहना पड़ा? कोई परेशानी नहीं है, हमारे तरफ से पूरे सपोर्ट था, हमारा मानना है माता पिता को अपना काम करना चाहिए, ईमानदारी से बच्चे ईमानदारी से खुद काम करेंगे, यदि आप अपना ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं बच्चे आपसे सीखते हैं। तो मेरे पिता माता पिता जो है वो उनका ड्यूटी जो भी काम है उनका ऑफिस जाना टाइम से जाना है तो बच्चा भी नेचुरली सीखता है, वो कभी बल्फ नहीं करेगा, इसीलिए हम सभी माता पिता से रिक्वेस्ट है उनकी जो भी जिम्मेदारी है अपना काम ईमानदारी से करें, निसंदेह बच्चा भी आपका काम ईमानदारी से करें। जी एक बात मैं जानूँ, अब आप आईएएस अधिकारी बन गई है तो जिस तरीके से कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, सभी को बराबर देखना चाहिए, तो जो अधिकारी होते हैं पोस्ट पे चले जाने के बाद में निम्न वर्ग के लोगों के साथ जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपके आज इनोवेशन हो रही है, यहाँ पर आपको बधाइयाँ देने के लिए आपके परिवार इष्ट मित्र सभी आए हुए हैं, तो क्या जो पद पे आप चली जाएंगी तो क्या नॉर्मल पीपल के साथ इसी तरीके से भी है आपका रहेगा? जी जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, और नाम उसका पोस्ट का नाम ही है पब्लिक सर्वेंट, और ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से धारणा बन जाती है कि ये साइंस से बिल्कुल अलग है, लेकिन आप अगर देखेंगे बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स समाज में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और बिना पब्लिक से जुड़े हुए वो काम हो सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरा अभी का बिहेवियर वो आगे भी रहता है। हम अपने परिवार बेटी को यहाँ तक ले आए हैं, इसके पीछे हमारी शिक्षा जो ही रही मिली है इसके जो मेरे गुरु हैं श्री रविंद्रनाथ शर्मा जी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी बात करें, नमन करना चाहेंगे। मेरे गॉड फादर भी हैं, इन्होंने ही शिक्षा दीक्षा आपको, एक गॉड फादर हैं मेरे पिताजी तो हैं नहीं अभी, और फादर हैं श्री दुखी साथी जी, उन्हें भी अभिनंदन। बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होती है कि जब आपके शिक्षा दीक्षा से आपके बच्चे समाज को नई दिशा दिखाती है तो कहीं ना कहीं भावना अपने आप में बढ़ जाता है और भावुक हो जाते हैं। मैं इनके पिताजी के जो गुरु हैं मैं उनसे भी आपको बात कर करके आपको बताऊंगा कि क्या रोल होता है एक शिक्षक का जब उसका बच्चा आगे बढ़ता है और उसके बच्चे समाज में अपना नाम आयाम कायम करते हैं। मैं उनसे भी आपको बात करा रहा हूँ,
अश्विनी जी के पिता के गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि सर आज आपके विद्यार्थी के बच्चे नए आयाम पर पहुंच गई है और कैसा आपको लग रहा है? मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं उस समय मुझे याद हो रहा है 1979-80 जब राजकुमार जी हमारे यहाँ वर्ग 6 में आए हुए और उस समय इनके पारिवारिक स्थिति एक श्रमिक वर्ग से ऊपर में और उस परिवार से ये बच्चा इतना ऊपर उठा। इनकी मेहनत, इनकी लगन, टीचर एक गाइड और दिशा दिखाते हैं, लेकिन दिशा उस दिशा में चलना वो छात्रों का ये ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। और इस मामले में ये बच्चा कभी भी हमारे साथ ना इंसाफी नहीं किया कि जो कुछ भी मैंने कहा, जिस दिशा में मैं इसे ले जाना चाहा उसी दिशा में बढ़ा और अपनी मेहनत लगन से उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की और आगे आकर के पॉलिटेक्निक में। मैं नहीं चाह रहा था कि इनको पॉलिटेक्निक में जाना चाहिए, मैं चाह रहा था कि डायरेक्ट बीटेक करे, लेकिन चुरा करके चले गए पॉलिटेक्निक में। खैर अच्छी बात, कोई बात नहीं। और फिर पॉलिटेक्निक पास करने के बाद में ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन हुआ और CPWB में इनका चुनाव हो गया एज ए जूनियर इंजीनियर। बाद में प्रमोशन के द्वारा ये असिस्टेंट इंजीनियर बने, अभी तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ और सबसे बड़ी बात है कि इनकी मम्मी बोली है रश्मि की कि बेटा बेटी में हम लोगों ने फर्क नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। हम बेटी के जन्म पर शोक मनाने लगते हैं और बेटा में खुशी मनाते हैं, ये जो हमारे समाज में आज भी विद्यमान है इसको दूर करना चाहिए। और रश्मि ने इसे दिखा दिया है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। आज तो बेटियां भी उस स्थान को प्राप्त कर चुकी है जो कभी बेटा प्राप्त करता है और इसके लिए इनको धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि इस स्थिति को समाज को आप स्पष्ट दिखा रहे हैं कि नीचे से भी एट द टॉप ऑफ द सोसाइटी इंसान बन सकते हैं। और शिक्षा के बारे में मैं इतना कहता हूँ कि शिक्षा शेरनी के दूध के बराबर होता है, जिसे पीकर शेर दहाड़ता है, शिक्षा में यही सब। तो रश्मि जी, मैं जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगी कि एजुकेशन जो है वो एक लौता चीज़ है जिससे हम सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें आप अपने एजुकेशन के साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं आपके चारों तरफ, लेकिन आप आपको अपने एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये थी रश्मि रानी जो कि मधुबनी जिले के रहने वाली है और IAS अधिकारी बनने वाली है, ट्रेनिंग पर भी बहुत जल्द इनका जाना है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लास्ट में हम जाते जाते रश्मि जी को मैनी कॉन्ग्रेस हमारे चैनल के तरफ से और आप समाज को और बिहार को आगे बढ़ाएं, ये हमारी कामना होगी। आप बने रहें हमारे साथ। मैं रवि।